जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सपा सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को समर्थन देने वाले मुसलमान इस्लाम छोड़ दें। सपा सांसद एसटी हसन का ये बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि उन्हें कुरान के खिलाफ कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि शरीयत ने जो हुक्म दिया है सिर्फ वो ही स्वीकार्य है। सांसद ने इसका समर्थन करने वाले मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने की सलाह दी। सपा सांसद टीवी 9 के यूसीसी सम्मेलन में भी पहुंचे, जहां कई धर्मगुरु और नेताओं ने शिरकत की। सांसद एसटी हसन का कहना है कि यूसीसी मुसलमानों पर थोपने की कोशिश हो रही है। उन्होंने एक बयान में कहा कि चाहे कितना ही बिल आ जाए, हमें जो शरीयत ने हुक्म दिया है हम वो ही काम करेंगे। अगर किसी मुसलमान को कुरान के बताए रास्ते पर नहीं चलना है तो इस्लाम छोड़कर कहीं और चला जाए। एसटी हसन ने टीवी 9 की बातचीत में कहा कि आखिर 2024 के चुनाव से पहले ये शगुफा क्यों छोड़ दिया। एसटी हसन ने कहा कि लड़कियों की कम उम्र में शादियां सिर्फ इस्लाम में ही नहीं होती बल्कि बाल विवाह भी होता है। उनकी दलील है कि कुरान में 3 तलाक के बारे में कहीं नहीं कहा गया, इसलिए लोगों ने उसे स्वीकार किया। उन्होंने समाज के भीतर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया, कहा कि इस्लाम को बदनाम कर वोट हासिल करते हैं। सांसद ने पूछा कि यूसीसी, 3 तलाक या फिर CAA से हिंदू भाइयों को क्या मिला। उनके बयान पर पूछे गए सवाल पर कहा कि जो मुसलमान अल्लाह के पैगाम को नहीं मानेगा तो क्या वो मुसलमान हो सकता है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तोकी रजा से भी टीवी 9 ने बात की। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक यूसीसी का विरोध नहीं किया, पहले मसौदा तो तैयार हो, मैं तो इसका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन जब हमें मसौदा मिलेगा तब हम इसका विरोध या फिर हिमायत करेंगे। तोकी रजा ने कहा कि समर्थन और विरोध की बात तब होगी जब हमें पता चले कि आखिर ला क्या रहे हैं। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया, कहा हुकूमत सिर्फ प्रचार कर रही है कि हम यूसीसी लाना चाहते हैं और मुसलमानों को परेशान करेंगे, इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। विधि आयोग ने यूसीसी पर देश भर के लोगों से राय मांगी है, इसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। भारतीय संविधान में इस बात का जिक्र है कि देश का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, इसे लागू करने की कोशिशें पुरानी हैं। पूर्व की सरकारों ने भी यूसीसी पर कदम उठाए लेकिन नाकाम रहीं। अब केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें।